आज बिहार के रास्ते एक नई ट्रेन की शुरुआत होगी और ट्रेन नंबर 05557 के साथ इस ट्रेन की शुरुआत रेलवे करने जा रही है। रक्सौल से लोकमान तिलक के मध्य यह ट्रेन चलेगी और इस वीडियो अपडेट के माध्यम से बात करेंगे पूरी ट्रेन के डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट। ट्रेन नंबर 05557 के साथ यह ट्रेन रक्सौल से लोकमान तिलक के मध्य इसकी शुरुआत होने जा रही है और 6 अगस्त को यानी कि आज इस ट्रेन को रक्सौल रेलवे स्टेशन से रवाना किया जाएगा। 7:15 पर यह ट्रेन शाम में प्रस्थान करके अगले दिन कटनी जबलपुर इटारसी के रास्ते तीसरे दिन लोकमान तिलक टर्मिनल पहुंचेगी 5:50 पर सुबह में। इसी प्रकार यह ट्रेन नंबर 05558 के साथ लोकमान तिलक से रक्सौल के लिए सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन बनकर दूसरे दिशा में भी चलेगी, जहां पर कि लोकमान तिलक टर्मिनल से 7:55 पर यह ट्रेन प्रस्थान करेगी और इटारसी जबलपुर कटनी के रास्ते शाम में 4:50 पर रक्सौल तीसरे दिन पहुंचेगी। इस ट्रेन की सुविधा के डिटेल्स की बात करें तो कुल मिलाकर इस ट्रेन में 22 कोच लगाए गए हैं, जिसमें कि एसी, सेकंड टायर, थर्ड टायर और स्लीपर के साथ साथ सामान्य श्रेणी का सुविधा मिलेगा। इस ट्रेन के रूट के डिटेल्स की बात करें तो यह ट्रेन वाया रक्सौल से खुलने के बाद सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर के रास्ते यह ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मिर्जापुर, प्रयागराज, सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, खंडवा, भुसावल, मनमाड़ और कल्याण रेलवे स्टेशन पर दोनों ही दिशाओं में रुकेगी। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और आने वाले नए ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।